सो गाइस, आपका भी जो है वन प्लस डिवाइस यहाँ पे स्लो चल रहा है, यानी हैंगिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, सो उसमें आपको लैगिंग टाइप का आपको देखने को मिल रहा है। सो इस चीज को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इस चीज को। अगर यानी अगर आपका फोन जो है यहाँ पे स्लो चल रहा है, हैंगिंग का कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है, सो इस चीज को आप जो है आसानी से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले आपको कुछ सेटिंग बताऊंगा, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ टिप्स जो है देने वाला हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना आपको यहाँ पे सेटिंग जो है इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, उससे ज्यादा कई गुना यहाँ पे जो टिप्स बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है। सो पूरा चीज अगर आप फॉलो कर लेते हैं, सो आप भी अपने स्मार्टफोन को जो आप जिस तरह से यूज कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा फास्ट आप जो है यूज कर सकते हैं। सो इसके लिए गाइस वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना होगा, जो सेटिंग आपको बताने वाला हूँ इस चीज को आपको फॉलो करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेटिंग यहाँ पे सीख लेते हैं। सो सेटिंग के लिए आपको क्या करना है, फोन का जो सेटिंग है, बस फोन का सेटिंग पे आपको आ जाना है। इस तरह से पूरा सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो काफी सारे अपलोडेड है इसी चैनल पे। यहाँ पे एक एक सेटिंग के बारे में जो है बताते रहता हूँ। सो अगर आपके पास भी वन प्लस का डिवाइस है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर करके रखना, एंड अगर आपके डिवाइस में कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। सो इस तरह से आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अबाउट, यहाँ पे डिवाइस देख सकते हैं, बस इस पे आना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरह से आ जाओगे, यहाँ पे वर्सनल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आना है। अब ऊपर की ओर देखने को मिलेगा बिल्ड नंबर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या करना है, बस इसी बिल्ड नंबर पे 6-7 टाइम आपको इस पे टाइप कर देना है। इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन जो है ये इनेबल हो जाएगा आपके डिवाइस में। सो यहाँ पे जो सेटिंग बताने वाला हूँ वो डेवलपर ऑप्शन से ही यहाँ पे आप सेट करने वाले हैं। सो इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर लेना है, ओके। सो इससे आपको बैक आ जाना है, आ जाओगे, इस तरह से सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगा, ऊपर की ओर सर्च बार आपको देखने को मिलेगा, इसी पे आना है, क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है डेवलपर, ओके, डेवलपर ऑप्शन, इस तरह करके आपको क्या करना है सर्च कर लेना है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं, इसी पे आना है, क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करके फर्स्ट टाइम आओगे सो आपके डिवाइस में कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑफ रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है इसी पे आपको क्लिक करना है, इस तरह से ओके वाला बटन पे क्लिक करके इसे टर्न ऑन कर लेना है। सो यहाँ पे इस तरह से आओगे, अब आपको क्या करना है यहाँ पे स्लाइड करते हुए नीचे की ओर आना है। जैसे कि देखो गाइस यहाँ पे अपने डिवाइस को अगर यहाँ पे हैंग से बचाना चाहते हैं या फिर बहुत स्लो चल रहा है सो उसे फास्ट करना चाहते हैं, सो इसके जो है काफी सारे सेटिंग रहता है जो अलग अलग तरीके से आपको करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको सेटिंग बताने वाला हूँ, जो टिप्स देने वाला हूँ, वो बहुत ही लाजवाब वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर आप ये काम कर लेते हैं सो आपको मालूम चल जाएगा कि कितना फोन आपका यहाँ पे फास्ट हो गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सेटिंग के लिए यहाँ पे विंडोज एनिमेशन स्केल देखने को मिल रहा है, एंड दूसरा आपको देखना है ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल, एंड थर्ड में आपको देखने को मिल रहा है एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। सो इस तीनों ऑप्शन को एक एक करके आपको इस तरह से क्लिक कर लेना है, इस तरह से आएगा। यहाँ पे अगर आप ऑफ कर देते हैं तो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, ऑफ नहीं करना है। ऑफ करने से क्या होगा कि आप जो है फास्ट तो होगा लेकिन उतना आपको लुक जो है नहीं देगा, यानी जो एक विंडो टाइप का आता है जाता है, जिस तरह से ओपन करते हैं, जिस तरह से क्लोज करते हैं, वो ऑफ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो आपको इस तरह से 1x में या फिर ये सब में आपको टिक लगा हुआ देखने को मिल सकता है। सो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एनिमेशन स्केल 0.5x का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पे आना है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इस पे भी आपको इस पे क्लिक करना है, एंड तीसरा नंबर पे इस पे भी आपको 5x पे आपको क्लिक कर लेना है। इससे क्या होगा, बहुत ही फास्ट यहाँ पे हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज और भी यहाँ पे समझा देता हूँ, जैसे कि एनिमेशन स्केल विंडो एनिमेशन स्केल है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ जैसे कि 2x क्लिक कर लेता हूं आपको समझाने के लिए। सो गाइस यहां पे देख सकते हैं कितना स्लो स्लो यहां पे ये ओपन हो रहा है, जैसे कि देख सकते हैं यहां पे जो स्लाइड बार आ रहा है कितना स्लो यहां पे आ रहा है और जा रहा है, ओके, यहां पे देख सकते हैं। सो इसी तरह से आपको क्या करना है, इसे फास्ट करने के लिए ये सब ऑप्शन को आपको जो सेटिंग करने बता रहा हूं इसे आपको इस पे आपको टिक करके फास्ट कर लेना है। सो ये कंपलसरी है, इसी पे आपको आना है, 5x पे आपको तीनों पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, 5x एंड दूसरा में भी आपको तीनों में 5x 5x देख सकते हैं आप कितना फास्ट आ रहा है, कितना फास्ट जा रहा है, ओके। लाइव डेमो आप यहां पे देख लिए। सो इस तरह से आपको ये काम, ये सेटिंग आपको कर लेना है, ओके। अब यहां पे देख लेते हैं कुछ टिप्स जो आपको देने वाला हूं, उसे आपको यहाँ पे समझना है एंड उसे आपको फॉलो करना है। सो इसके लिए क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। सो इसके लिए क्या करना है, अपने डिवाइस को आपको क्या करना है, जो है जो भी एप्लीकेशन, फालतू एप्लीकेशन है, जो है एप्स है, एप्लीकेशन है जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, उस चीज को आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है, ओके। आपको यहाँ पे देख लेना है कि कौन सा एप्लीकेशन आप जो है काफी दिन से यहाँ पे रखे हैं, आप यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप जो है कभी कभी यूज कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन को आपको इस तरह से क्लिक कर लेना है, इस तरह से लाना है और यहाँ पे एक फोल्डर के अंदर अंदर यहाँ पे इस तरह से आपको टाइप कर देना है,
फोल्डर के अंदर वहाँ पे जो है चला जाएगा। सो अगर जो एप्लीकेशन बहुत दिन से आप जो है बहुत कम यूज कर रहे हैं, सो उसे आपको फोल्डर के अंदर इस तरह से आपको पैक कर लेना है, ओके। एंड इसके बाद जो एप्लीकेशन आप जो है लगभग ना के बराबर यूज कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन को आपको रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है, ओके। एंड दूसरा चीज आपको क्या करना है, अपने जो डिवाइस का यहाँ पे जो है फाइल जो है उस पर आना है। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है माई फाइल का ऑप्शन, देख सकते हैं इस पर आना है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट में आपको देखने को मिल रहा है डिवाइस स्टोरेज का ऑप्शन, इस पर आना है, क्लिक कर लेना। गाइज यहाँ पे जो बता रहा हूँ इससे बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फोन ही फास्ट होगा, इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो क्या होने वाला है वो चीज यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सो जैसे कि आपको यहाँ पे आना है डिवाइस स्टोरेज पे, देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इस ऑप्शन को देखने को मिला, देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अलग से यहाँ पे मेरा कोई काम का ये फाइल जो है क्रिएट किया हुआ नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। सो आपके भी डिवाइस पे आओगे तो इस तरह से काफी सारे फालतू का फाइल जो है आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, इस तरह से प्रेस करके रखना है, इस तरह से आपको क्लिक कर लेना है और ऊपर में इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ये सब फाइल पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहता है जो कि यहाँ पे एंड्रॉइड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड खाली खाली फाइल जो है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जीरो आइटम है, ये सब में आपको जो भी आपको जीरो आइटम आपको देखने को मिल रहा है, या फिर आप उसके अंदर जो है फाइल को ओपन करके देख सकते हैं जो आपके काम के लिए नहीं है, जो कि फालतू यहाँ पे फाइल जो है क्रिएट होते रहता है। ये फालतू फाइल क्रिएट कैसे होता है, जो कि आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे जो है बार बार ये यूज होता है। सो आपको क्या करना है, बार बार से इसे रिमूव करते रहना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज जो है एक बार रिमूव कर दिए और यहाँ पे उसके बाद छोड़ दिए, ऐसा आपको गलती नहीं करना है। बार बार से आपको इसे रिमूव जो डिलीट करते रहना है। इस तरह से सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे डिलीट का बटन देखने को मिलेगा, इस पे आना है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, जैसे परमानेंटली डिलीट 8 आइटम, इस पे आना है, क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करेंगे इस तरह से आएगा, इस पे इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे यह डिलीट हो गया है कुछ फाइल, एंड कुछ फाइल यहाँ पे डिलीट नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एंड्रॉइड का ऑप्शन आपको फर्स्ट में जो है देखने को मिला है, ओके, फर्स्ट में देख सकते हैं। आपको क्या करना है, इस फाइल को भी डिलीट करना है। इस तरह से आ जाओगे इसके अंदर, इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से आपको टिक कर लेना है, टिक कर लगे यहाँ पे डिलीट पे ऑप्शन है परमानेंटली डिलीट, इस तरह से आपको डिलीट कर देना है। कुछ फाइल यहाँ पे रह जाएगा, ओके। जैसे कि यहाँ पे जीरो आइटम देख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है, सो यहाँ पे एक दो फाइल रहेगा, यहाँ पे रहने देना है, इसे आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, ओके। लेकिन गाइज कंपलसरी है कि यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है, ये फाइल इसे आपको डिलीट करना ही है। एंड्रॉइड का ये जो फाइल देखने को मिल रहा है, इससे क्या होगा कि नेट MB जो आप यहाँ पे लेके रखे हैं, आपके फोन का स्टोरेज जो है पूरा भरा हुआ आपको देखने को भी मिलेगा। एंड अगर आप इसे डिलीट कर देते हैं तो आपका स्टोरेज यहां पे खाली भी देखने को मिलेगा, एंड आपका फोन भी फास्ट होगा। सो ये काम आपको जरूर कर लेना है। फोन जो है स्टोरेज जो है भरा हुआ रहता है, सो मेन जो कारण रहता है गाइस यहां पे यही रहता है एंड्रॉइड का ऑप्शन। इस फाइल को आपको डिलीट करते रहना है, बीच बीच में एक दिन बाद दो दिन बाद आपको डिलीट करते रहना है। सो यहां पे ये खाली फाइल डिलीट कर दिए, जो फालतू का एप्लीकेशन है उसे भी आप रिमूव कर दिए। अब यहाँ से बैक आ जाना है, बैक आने के बाद इस तरह से आओगे नीचे की ओर, ये ऑप्शन देखने को मिला है रिसेंटली डिलीटेड। यहाँ पे काफी सारे आप जो है देखोगे कि काफी सारे फाइल फोटो यहाँ पे जो है डिलीट आप किए हैं, वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। जैसे कि मैं यहाँ से भी डिलीट करते रहता हूँ, सो 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे इसे भी आपको जो है डिलीट कर देना है, ओके। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अगर आप एक बार भी डिलीट नहीं किए यहाँ से तो यहाँ पे काफी कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सो इसे भी आपको रिमूव कर देना है। सो गाइस यहाँ पे ये चीज हो गया, ओके, यहाँ पे ये चीज आप सीख लिए। अब क्या करना है, यहाँ पे माई फाइल पे आप क्लिक करना है, वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि फाइल फालतू का वीडियो जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आप जो आपके कोई भी काम का नहीं है उसे भी आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। सो यहाँ पे इस तरह से हो गया है। APKS का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि फालतू एप्लीकेशन आप यूज करके रखे हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसे भी आपको रिमूव करना है। सो उसके बाद गाइज यहाँ पे ये काम कर लिए, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बैक आ जाना है और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये वाला बटन जो है देखने को मिला डैशबोर्ड का, इस पे आना है, क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कितना बैकग्राउंड पे एप्लीकेशन जो है यहाँ पे रनिंग होते रहता है, चलते रहता है। सो आपको क्या करना है, इसे भी आपको क्लोज ऑल पे आपको क्लिक करके इस तरह से रिफ्रेश करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा MB जो है यहाँ पे फ्री हो गया। सो इस तरह से करना है, एंड आपको यहाँ पे पूरा सेटिंग वोटिंग कर लिए। अब आपको क्या करना है, फोन का यहाँ पे जो पावर वाला बटन है, एक बार आपको पावर वाला बटन पे क्लिक करके इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ पे रीबूट यानी रीस्टार्ट इस पे क्लिक करके आपको अपने डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट आपको कर लेना है। ये कंपलसरी रहता है, पहले आपको जो सेटिंग करने बताया इसे कर लेना है, जो फाइल डिलीट करने बताया इसे क्लीन करना है, उसके बाद लास्ट में आपको एक बार फोन को आपको रीबूट यानी रीस्टार्ट आपको कर लेना है। ये दिन में फोन में गाइस रीस्टार्ट आपको कर लेना है एक बार, यानी जो है 48 घंटे में एक बार आपको रीस्टार्ट आपको अपने डिवाइस को कर लेना है। इससे क्या होगा कि 95% जो है प्रॉब्लम जो रहता है वो फिक्स हो जाएगा।
सो इस तरह से अगर आप एक बार काम कर लेते हैं गाइस, तो आप देखोगे कि आपका डिवाइस जो है पहले से कितना हाई गुना ज्यादा यहाँ पे जो है इसका स्पीड जो है इंक्रीज हो जाता है, कोई भी लैगिंग का कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। सो गाइस ये था कुछ सेटिंग, कुछ यहाँ पे टिप्स अगर आपके वन प्लस डिवाइस बहुत ज्यादा यहाँ पे स्लो चल रहा है, लैगिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, सो इस तरीके को फॉलो कीजिए और आप 101% है देखोगे कि कितना ज्यादा यहाँ पे आपका फोन जो है फास्ट हो जाता है। इसके ऊपर और भी मैं एक दो वीडियो लाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि और भी काफी सारी सेटिंग है इसके अंदर जो कि मैं डेवलपर ऑप्शन पे आपको जाके दिखाया। सो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर करके रखना है, इससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपके डिवाइस में कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे जरूर देने का कोशिश करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ।